हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ 2 मिनट में बन जाने वाले चावल के चिल्ले की रेसिपी शेयर करूंगी, और वो भी बहुत ही इजी स्टाइल में। और अगर आपको इंस्टेंट भूख लगा हो तो आप ज़रूर चावल का चिल्ला बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने एक कटोरी उड़द की दाल लिया है, ये मैंने पहले ही 7 से 8 घंटे पहले भिगो के रखा था। और ये कटोरी चावल है, इसे मैंने 7 से 8 घंटे पहले भिगो के रखा था। अब एक ग्राइंडर लेंगे, इन दोनों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। पीस जाने के बाद देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। इस पेस्ट को हम निकाल लिए हैं। अब इसमें हमें डालना है एक प्याज जो मैंने बारीक कट करके रखा है, एक टमाटर, हरी मिर्च और धनिया। अब सबसे पहले हमें इसमें डालना है प्याज। प्याज के बाद हम डालेंगे एक टमाटर जो मैंने बारीक कट करके यहाँ रखा है, हरी मिर्च। अब इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। मैंने पीसते टाइम ही इसमें नमक डाल लिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल लीजिएगा। अब इसमें हमें डालना है धनिया जो मैंने बारीक कट करके रखा था। अब उसे भी डाल के हमें कुछ सेकेंड के लिए मिक्स करना है। तवा मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था रिफाइंड लगा के। आप उस पेस्ट को उसमें डालिए और गोले शेप में या अपने मनचाहे शेप में इसको फैला लीजिए। अब देखिए एक साइड से रिफाइंड लगा के मैंने सेक लिया है, अब सेकंड वाली साइड भी इसी तरीके से सेक लेना है। देखिए कितना जल्दी बन के ये चिल्ला तैयार हो गया है। इसे हम निकाल लेंगे और सेकेंड वाला भी ठीक इसी तरीके से हम फैला लेंगे। अब इसे भी हम रिफाइंड लगा के सेक लेंगे। ये देखिए एक साइड से अच्छे तरीके से सिक गया है, दूसरी वाली साइड भी इसकी इसी तरीके से हमें सेक लेना है। ये चावल का चिल्ला इंस्टेंट बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको भूख लगा हो तो आप इंस्टेंट में आप चावल का चिल्ला भी बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, सेकेंड वाला भी चिल्ला मेरा बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से बाकी चिल्ला को भी हम बना के तैयार कर लेंगे। तो आप सभी बताइए ये इंस्टेंट बन जाने वाला चावल का चिल्ला आपको कैसा लगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप ये मेरी रेसिपी इंजॉय कीजिए। अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।